रात भर बड़बड़ 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 मैं तो भाई साहब सो नहीं पाया हूँ कल रात, आराम से मेरे को नींद ही नहीं आई, रात भर उठा। आज सकल से भी लग रहा होगा मेरा, यहाँ मतलब घर से बाहर जाते हैं ना सब कुछ आपको मिल जाएगा। हेलो नमस्ते पहला गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज भी दिन की स्टार्टिंग वही रोज वाली जो पहाड़ों से करता था, और आज भी उसी टाइम पे हल्द्वानी लाल कुआं से हो रही है। तो यहाँ पे मैं अभी हूँ, और जैसे कि आपको पता ही है कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, कल थी पहाड़ से लेके लाल कुआं तक की जर्नी, जो कि काफ़ी अच्छी रही। और यहाँ के मौसम की बात करूँ अगर मैं, तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, और यहाँ तो धूप भी आ गया, क्लियर कट धूप पूरा, और स्कूल के बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। वो कुछ बस दिखी मेरे को यहाँ पे जो कि जा रही है अभी, और अभी कन्नू भाई और मैंने जाना है गाड़ी लेके मैकेनिक के पास, थोड़ी देर में जाएंगे, अभी तो 7 ही बज रहे हैं। तो मार्केट से पहले दूध लेके आते हैं, फिर उसके बाद चाय चुय बनाएंगे, और लगभग लगभग सारी दुकानें भी खुलने को आ गई है मॉर्निंग के टाइम में। और इस साइड को, एक तो उस साइड था, उस साइड से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था, और इस साइड मेन रोड है, इस साइड को कुछ इस तरीके से व्यू दिख रहा है। तो पहाड़ों में इतना सुकून तो है भैया, तुम मानो या ना मानो, कि अगर आप रात को सोए हो ना, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। और यहाँ रात भर बड़बड़ 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 मैं तो भाई साहब सो नहीं पाया हूँ कल रात, आराम से मेरे को नींद ही नहीं आई, रात भर उठा। आज सकल से भी लग रहा होगा मेरा, घर के बगल में से जब बड़े ट्रक जा रहे हैं ना, फिर घर ही हिल जा रहा है, ऐसा भी हो रहा है यहाँ। अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे ना लोगों ने गाय भी पाल रखी, भैंस भी पाल रखे, और मुर्गियाँ भी पाल रखे, जो जो पहाड़ों में पालते हैं वो सब पाल रखे हैं। और यहाँ के जो गेहूँ है ना, वो पहाड़ों से अच्छे हो रहे हैं, पहाड़ों में सब पीले पड़ने लग गए हैं, और यहाँ खसखला हरे हरे दिख रहे हैं, सरसों पर भी फूल आ रहे हैं यहाँ, और वहाँ पर पूरी फूल गई है, मतलब क्लाइमेट चेंज भी बहुत हो रहा है उसकी वजह से। और यहाँ पर सरसों में दाने नहीं लगे हैं, वहाँ पर लग गए हैं पूरे। ज़्यादातर हमारे पहाड़ के लोग ही यहाँ बसे हैं, पहले ये भी मतलब जंगली हुआ करते थे बल पहले, और अब काफ़ी अच्छा बन गया है यार, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा मतलब सुंदर शानदार मज़ेदार नज़ारा हो रहा है भावरों के। तो भी चलते हैं बाकी के काम करने के लिए, और धूप भी जल्दी आ गई है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात तो ना, यहाँ पर ठंड नहीं हो रही, मैं पूरा मतलब एक ही साइड में हूँ, वहाँ पे मॉर्निंग में भी साइड में रहता था, पर लेकिन यहाँ पूरे दिन भर रहूँगा। मॉर्निंग के टाइम में पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो यहाँ पे लगभग लगभग अब ठंड जा चुकी है। तो अभी चले दूध लेने के लिए, दूध कहाँ मिलेगा, इधर या इधर? तो भाई लोगों से पूछ लिया है दूध कहाँ मिलेगा करके, दूध लेने के लिए अभी जा रहे हैं आराम आराम से। और बजरंगी जिम भैया अभी काफी चलना है, रोड रोड पे चल रहा हूँ वीडियो बनाते हुए, और डर भी लग रहा है कि भैया कोई पीछे से ठोक देगा क्या भरोसा, लेकिन आप देखना भाई। और कल से ना पैरों में बहुत दर्द होने लगी यार, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। भैया दूध का पैकेट कहाँ पे मिलेगा, खुला कैसे ले जाऊंगा? भैंस का गाय का क्या है, अलग है। और शर्मा मिल्क डेयरी से हमने दूध ले लिया है यहाँ पे। पहाड़ों में दूध ऐसे लाते कोई नहीं लाते है। और यहाँ भी मेरे को ये महसूस हो रहा है कि ये आवारा होंगे, और आप कमेंट करके बता सकते हो कैसे है, क्या है करके। यहाँ मतलब घर से बाहर जाते हैं ना सब कुछ आपको मिल जाएगा, दूध चाहिए दूध मिल जाएगा, और हम तो इंतज़ार करते, पहाड़ों में जब ऐसा होता है इंतज़ार करते रह जाते हैं कि जब भैंस भी आएगी तभी दूध होगा। और यहाँ पे घर से बाहर जाओ, और वैसे हैं आपके पास तो आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, और पहाड़ों के नज़ारे के मजे तो पहाड़ों में ही आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे इतने। टोटल जितने यहाँ 10 मिनट में गाड़ियाँ चलती हैं, और पहाड़ों में इतने पूरे दिन भर में भी नहीं चलते, वो सिर्फ एक रोड पे। और ये है कन्नू भाई का ऑफिस,
यहाँ पे स्पाइस टूर एंड ट्रेवल, यहाँ पे इतने काम होते भैया, आराम से जूम करके नक्शे भी बनाए हैं, सब करे ड्रीम हाउसेस। तो चलता है, अभी चाय बनाता हूँ यार अंदर जाके। तो भैया अभी निकल पड़े हैं गाड़ी देने के लिए, कंदू भाई यहाँ पे साइड में बैठे हैं आराम भैया, और कंदू भाई डांटने में, और रोड है कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, आराम आराम से। और बड़ा टफ है चलाते हुए वीडियो बनाना, क्योंकि रोड सिंगल है और बीच बीच में ज्वाइंट है। तो अभी पहुंच गए हैं गैराज में, यहाँ पे कन्नू भाई और भाई साहब लेके आए हैं, और गैराज हमारा यहाँ पे है। ये हम ऑनर यहाँ के विक्रम मिल गया हमारे, ये देखो ये है ऑनर साहब, यही बनाएंगे हमारी गाड़ी सस्ती में। और एक गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे, यहाँ पे अब मेरा काम होगा। ये यहाँ पे ये बन रही है गाड़ी है, यहाँ पे पेंट होके आ गई है डेंटर पेंटर। अब गाड़ी चेकिंग होके फिर बताएंगे क्या क्या काम है करके। तो अब टेस्ट ड्राइव चल रही है इस गाड़ी की। है विक्रम दा, टायर खराब है, पहली गलती टायर खराब है। एक्सपर्ट है हमारे वहीं के, जहां पे मैं रहता हूँ ना उसी के, इस धारवार और धार पार के हैं, गढ़ीगांव के ना, तो लमचूला के। और रोड पार भी भयंकर है यहाँ पे, हर 200-300 मीटर पे क्या है बट। हर रोड पे ट्रायल लिया जाएगा इस गाड़ी का। ये अब आगे कच्ची वाली, क्यों विक्रम दा, कच्ची में भगा के देखा जाएगा। कल वैसे भी मैंने बहुत भगाई गाड़ी है। मैं भैया पीछे बैठ के आज मालिकाना फील ले रहा हूँ, मालिक वाला। मिल जाएगा आप लोगों की दुआ, आप लोगों के आशीर्वाद से मालिक वाला फील मिल जाएगा। चलो टेस्ट ड्राइव तो कंप्लीट हो चुकी है, अब इसकी जो जो बीमारियां हैं उसके लिए एक कितने इंजेक्शन देने पड़ते हैं पता नहीं, 67। क्यों, पेट दर्द, सर दर्द, बुखार और दांत दर्द, कहाँ कहाँ दर्द है, इसके पीछे दर्द ही लग रहा, आगे दर्द ही लग रहा, सब दर्द ही दर्द है। और ये अब काम बता रहे हैं गाड़ी का, लग गया है धनोरानी रैंप पे अभी। और नीचे से गाड़ी हमारी ऐसी दिखती भैया, ये है गाड़ी नीचे से इस तरीके से। गाड़ी वाली दे दी है अभी, हाँ गाड़ी अब आराम से बन के आएगी 15 दिन के अंदर। और ऐसा है यार, कलाकार उमल में अभी। दोस्तों मैंने भी खाना ना खा लिया है यहाँ पे, और टाइम जो है वो 3 बजने वाले होंगे। आज सुबह से मतलब ना ऐसी धुंध लगी है, कोई क्लियर वाली मौसम है नहीं, ऐसे वाले। और पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है, इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही ना, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम हो रही ना मेरे को, वो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि वहाँ खुली हवा और यहाँ थोड़ा सा पोल्यूशन लग रहा, नाक बंद हो गई। अभी जो गाड़ी के काम के लिए मैं यहाँ पे आया था उसमें भी दिक्कत ही चल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम है उसमें। अभी इंश्योरेंस के कागज़ में ओवरड्यू मिला है, जिससे मैंने ली थी उसने भी नहीं बताया मेरे को कि इसमें लोन है अभी करके। अभी गाड़ी में जो है वो बहुत सारा खर्चा आ रहा, तो क्या पता 1 लाख का खर्चा आ रहा उसको सही करने में, पूरा कंटिन्यू कागज़ आगज उसके रेन्यू बनाने में। और 15 साल चल गई है वैसे भी गाड़ी है, इतना शोर है ना, आवाज़ ये इतना शोर है, इतना शोर है ना, बोलना मुश्किल हो जा रहा, इधर से ऐसे आना पड़ रहा वापस को। ट्रक भर भर के माल जा रहा है, पूरी रोड ही आ रही कोला की है। तो इस तरीके का माहौल यहाँ पे चल रहा है, सब लगे हैं अपने अपने काम में, सब बिजी लाइफ।
और यहाँ पे ऐसा है मतलब वाले कमरे वाले घर वाले मतलब दो तीन घर अगल बगल में एक दूसरे को भी नहीं जानते वैसे, इतने बिजी लाइफ है यहाँ पे। और हमारे वहाँ पहाड़ में वहाँ एक आवाज़ मारो तो मतलब आवाज़ लगाओ तो सुनाई देता है कि कौन बुला रहा है करके, यहाँ आवाज़ भी मारो तो पता ही नहीं चलेगा कौन बुला रहा है करके। बस अभी 5 बज गए हैं और अब जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए मार्केट में। मार्केट का बड़ा खतरनाक वाला हाल है, तो वो सामने से सब्जी लेके आनी है और दाल लेके आनी है रात के खाने के लिए। तो ये चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं, फेस करते हैं। और गाड़ी का अभी तक कुछ सलूशन निकला नहीं है अभी तक, तो क्या पता क्या होता है आगे को, तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अभी तो पहले रात के खाने का इंतजाम करते हैं, फिर बाद में भीड़ हो जाएगी मार्केट में भी यहाँ पे। और ये नज़ारे ना बड़े खूबसूरत हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है देखने में शाम के टाइम का। और 5 बज गए अभी तक भी धूप है यहाँ पे, वहाँ पे हाँ टॉप टॉप में दिखती है। यहाँ से लेनी मेरे को सब्जी, इधर सब्जी लेते हैं। एक टमाटर कर देना है आधा किलो, आधा किलो टमाटर, आधा किलो प्याज और हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची दे दो। और भैया मटर, तो यहाँ से भी लेते हैं कुछ सब्जियाँ खाने के लिए और कुछ फ्रूट ले लेते हैं। आप कहाँ के हुए बेटा? हम देवधुरा से हैं। देवधुरा पिथौरागढ़? अच्छा, तो मेरे हमारी भाषा बहुत मिल रही है यहाँ पे, हमारी हमारी भाषा बहुत मिलती है। हमारा ऐसा शहर पड़ा है जैती जमाल। अभी सब्जी लेके आ गए हैं और कुछ फ्रूट भी है। तो आप तो ये है भैया अपनी कोठी, पूरा खेत है इसका, है पूरा यहाँ तक पूरा जमीन है, हरियाली है पूरी पीछे को है। और प्रॉपर एक गांव की याद ला रहे इस साइड को और इस साइड को शहर की याद ला रहे। अभी दोस्तों टाइम भी 9:30 का होने वाला है और यहाँ ऐसा लग रहा है कि अभी 7-8 बजे होंगे। खाना आना भी खा लिया है और नींद आ गई थी अभी दिन भर, कल शाम को नींद नहीं आई तो अभी थोड़ी देर पहले नींद आ गई, फिर उसके बाद खाना ना खा के अब कर रहे हैं ब्लॉग की एंडिंग। इस तरीके से था आज का दिन, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।